हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ एकता एंड आई होप आप सब बहुत ही ज्यादा अच्छी होंगी। सो आज मैं आप लोगों के साथ अगेन शेयर करने वाली हूँ लड़कों के कुछ कपड़ों की रिव्यू। लड़कों के कपड़ों के रिव्यू मैं वही प्रोडक्ट करती हूँ जो मैं अपनी फैमिली मेंबर के लिए यूज करती हूँ, उनके लिए परचेज करती हूँ। सो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दे कुछ जो कपड़े हैं मेरे भाई एंड पापा के लिए हम लोगों ने परचेज किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर अभी तक न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हम लोगों ने परचेज किए इसमें से कुछ मेरे पापा के हैं एंड एक सेट पापा के एक सेट भाई का बोल सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले भाई के कपड़े से। फर्स्ट हम जींस से स्टार्ट करते हैं। ओके सो कुछ इस तरीके की मैंने जींस ली है। ये जींस है पीटर इंग्लैंड की। इसका ब्रांड आप चेक कर सकते हो, आप इसका लिंक चेकआउट कर लेना अगर आप लेते हो तो। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो कुछ इस तरीके की जींस है ये। आपको फेडेड जींस जो आते हैं ब्लूइश कलर में, इसमें आपको हल्का हल्का फेडेड वर्क मिलेगा, मतलब जो वाइट सा फेड होता है ना उस तरीके का आपको मिलेगा। हल्की सी आपको डिजाइनिंग मिलेगी ये फेड वर्क की। एंड ये स्ट्रेचेबल है, स्किनी ब्लू जींस है। ये काफ़ी अच्छे से आपके फिट हो जाएंगे, बट ये ज़्यादा फिट नहीं है। इसका जो नीचे का पार्ट आता है जो कि आपके नीचे नीज के नीचे जाते हैं पार्ट्स, ये एंगल में बिल्कुल भी फिट नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को फिटिंग वाले पसंद आते हैं तो आप वो भी चेक कर सकते हो। ये आपको वो तीन साइज ही अभी अवेलेबल हैं एंड जल्दी से आप ले सकते हो इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे साइज जो हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। इसमें आपको 32, 34, 36 आई थिंक अवेलेबल है अभी साइड पे। सो फर्स्ट आप देख सकते हो फ्रंट साइड। फ्रंट में आपको इस तरीके की सिंपल सी लुकआउट मिलेगी एंड जैसा आप देख रहे हो फ्रंट पे। देन बैक इसका कुछ इस तरीके का है। बैक में आपको ब्रांड नेम वगैरह मिलते हैं। इसकी प्राइस आपको पड़ जाएगी 1000 के अप्रोक्स, क्योंकि 980 या फिर 986 के समथिंग मुझे ये जींस का रेंज पड़ा है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया, सारे प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से हैं। नाउ बैक पे सिंपल सा है एंड काफ़ी कंफर्टेबल है तो आप इजीली इसको वेयर कर सकते हो। स्ट्रेचेबल है तो अच्छे से फिटिंग में आ जाएगा। इसकी लेंथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसका साइज मैं अभी आप लोग को स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी, क्योंकि मुझे अच्छे से याद नहीं इसका साइज क्या है, बट आपको स्क्रीन पे यहाँ पे साइड में दिख जाएगा। ओके नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी जो जिप वगैरह है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, पीटर इंग्लैंड बहुत ही अच्छा ब्रांड है, उसका भी आप चेक कर सकते हो। इसमें आपको मैंने डिफरेंट ब्रांड के पहले भी शेयर कर दिए, किलर के मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट अभी आप लोगों के साथ शेयर किया था जो कि लड़कों के जींस थी। सो कुछ इस तरीके की आपको जींस मिलेगी। कोशिश करूंगी ट्राई ऑन शेयर करने का, उसको पहना के आप लोगों के साथ शेयर करने का। अगर नहीं हो पाया तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, अगर हो गया तो साइड में आपको थोड़ी सी छोटी सी स्क्रीनशॉट या फिर छोटा सा वीडियो मिल जाएगा। नाउ हम बात करने वाले हैं इसके साथ जो मैंने शर्ट लिया है। ओके सो स्टार्ट करते हैं इस प्रोडक्ट से। तो इसका जो पिन वगैरह है मैं अच्छे से निकाल दूँ ताकि आप लोगों को थोड़े भी ये जो होते हैं आवाज़ आते हैं वो ना आए। तो चलिए इसकी अनपैकिंग करते हैं, उसके बाद आप लोग को। ओके सो गाइस, कुछ इस तरीके की आपको ये शर्ट मिलेंगे। ये काफ़ी अच्छा वाइट सा कलर है जिसपे आपको ब्लू कलर के प्रिंट की हुई है। बहुत ही अमेजिंग सा लुकआउट आने वाला है। जो जींस मैंने लिया था उसके साथ अगर आप ये सेट पहनते हो तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा आपका लुकआउट लगेगा। इस पर आप देख सकते हो इस तरीके का कुछ वर्क है, प्रिंटेड वर्क है, छोटे छोटे से कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ कुछ चीज़ें एंड फ्लावर या फिर डॉट्स वगैरह की यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंट की गई है। अब बात करते हैं मटेरियल की। तो फैब्रिक आपको मिलता है प्योर कॉटन, जो कि समर के व्यू से काफ़ी अच्छा है। एंड इसकी साइज मैंने लिया है मीडियम साइज का है। इसमें आपको स्मॉल मिलेंगे, मीडियम मिलेंगे, एक्सेल मिलेंगे और शायद और साइजेज अवेलेबल अभी नहीं है। डबल एक्सेल वगैरह अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, बट आप चेकआउट करते रहना, आपको डेफिनेटली कुछ दिनों के बाद ये मिल जाएंगे।
इसका प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, ये 500 के नीचे का प्रोडक्ट है। इसके ब्रांड के नेम है केविन स्विफ्ट, जो कि यस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है केविन स्विफ्ट ब्रांड की ये शर्ट है। एंड ये आपको मिलता है मीडियम साइज में, मैंने जो लिया है ये आपको डिफरेंट दो तीन साइज में अवेलेबल है। एंड हाँ, ये 6 कलर में अवेलेबल है, जो भी आपको अच्छा लगता है जरूरी नहीं आप वाइट ही परचेज करो, बट इसका मटेरियल प्योर कॉटन वाले जो मटेरियल आते हैं वो वाले हैं, सो आप इसको परचेज कर सकते हो। स्लीव्स की बात करेंगे तो इसका स्लीव्स पूरा फुल आपको मिलेगा, यहाँ पे 2 बटन प्रोवाइड की हुई है जो कि अच्छा है। एंड बाकी कुछ इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, सिंपल सा है, जैसे सिंपल शर्ट्स आते हैं कॉटन वगैरह के। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यहाँ पे बटन्स प्रोवाइड किए हुए हैं ब्लू कलर में, ब्लैक कलर की नहीं सॉरी ये ब्लू कलर की है, बहुत डार्क ब्लू कलर आपको बटन्स प्रोवाइड किए हुए हैं। तो फ्रंट दिखा देते हैं थोड़ा सा, तो फ्रंट कुछ इस तरीके का मिलेगा, यू कैन सी कितना अमेजिंग सा लग रहा है। एंड बैक आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, सो बैक पे भी आपको कुछ खास नहीं है, सिंपल सा ये कॉटन शर्ट है, बट बोल सकते हैं ना इसको पहनने के बाद लुकआउट बहुत अच्छा लगने वाला है। इसको मैंने उसको एक बार वेयर कर दिखवाया था तो अच्छा लगा हम लोगों को, एंड उसके साथ मैचिंग लिया तो काफी अच्छा था ना। यहाँ पे कटिंग की बात करेंगे, हल्का सा कर्व किया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही कम, ज्यादा कटिंग नहीं है। सो कुछ इस तरीके का शॉर्ट का मटेरियल है, एंड शर्ट बहुत ही ज्यादा बोल सकते हो ना समर में कॉटन के जो कपड़े होते हैं ना बहुत अच्छा लगता है, तो ये आप चाहो तो परचेज कर लेना। सो ये थी शर्ट, ये तो रह गया भाई के जो दोनों सेट थे शर्ट एंड जींस का। एंड अब हम आते हैं पापा के लिए जो हम लोगों ने परचेज किया है उस पर, देखते हैं उसका मटेरियल किस तरीके का है। एंड ये भी आप डेफिनेटली परचेज करना क्योंकि मैं तो देख चुकी हूँ दोनों चीजें बहुत अच्छे हैं। सो फर्स्ट हम जींस से स्टार्ट करते हैं, तो ये है पूरा ब्राउन कलर का जींस, एंड ये जींस मटेरियल कॉटन वाले जींस जो आते हैं ना वो वाले नहीं है, प्योर जींस जो होते हैं वो मटेरियल है। ये ब्राउन है, पूरा डार्क ब्राउन है। ये किलर ब्रांड की है, सो वो आपको पीटर इंग्लैंड की थी जो कि मैंने आप लोगों को जींस दिखाया, ये किलर ब्रांड की। ये दोनों ब्रांड बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, किलर के तो और भी ज्यादा महंगे आते हैं जींस वगैरह। सो किलर के पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, किलर ब्रांड की है। एंड फ्रंट आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का, अच्छे से दिखा दूं आप लोगों को, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, तो कुछ इस तरीके की आपको फ्रंट साइड मिलेगी। बैक पे नाउ बैक की बात करते हैं, यहाँ ब्रांड नेम वगैरह मेंशन किया हुआ है, हल्का सा ये जो डिजाइन आते हैं किलर ब्रांड में आप देख सकते हो, पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, इस तरीके की थोड़ी सी डिजाइनिंग की रहती है जो कि वेस्ट पे आते हैं। एंड इसका साइज है 36 वेस्ट में, एंड लेंथ में आपको ये साइज है 33। इस पे आपको थोड़े से कुछ साइजेस अभी अवेलेबल हैं, कुछ आउट ऑफ स्टॉक हैं, तो आप चेक कर लेना, इन सारी चीजों का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और इसके मटेरियल की बात करेंगे, प्योर जींस मटेरियल है, एंड ये आप देख सकते हो ये रेगुलर फिट जींस है, तो आप जैसे चाहते हो ना, आप स्किनी फिट चाहते हो तो आप वो ले सकते हो, बट ये रेगुलर फिट पापा को वही ज्यादा पसंद आता है तो हम लोग वही लेते हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, सिंपल से लुकआउट के लिए बहुत अच्छा है, कंफर्ट लेवल में है। बैक आप देख सकते हो, बैक में 2 पॉकेट आपको मिलते हैं जो कि सिंपल से लुकआउट में है, थोड़े से डिजाइनिंग वगैरह की रहती है जो कि ट्रेड का है, कुछ यूनिक नहीं है, सिंपल है बट अच्छा लगेगा। कोशिश करूंगी ट्राई उन दोनों का शेयर करने का अगर हो पाया तो। सो ये जींस था, नाउ एक बार अच्छे से आप लोगों को सो आउट करवा दूं क्योंकि बैठ बैठ के दिखाने में ना बनता नहीं है। यू कैन सी गाइस पूरे ब्राउन कलर की जींस, एंड लेंथ आप देख सकते हो 33 लेंथ है, तो काफी अच्छे लेंथ की है। ये फ्रंट एंड बैक, सो अगर आपकी लेंथ मतलब लंबाई कम है तो आप नहीं लेना, या फिर आप इसको कटिंग करवा सकते हो बट इसका लेंथ ज्यादा है तो कोशिश करना दूसरा कोई भी अच्छा लगता है तो वो चेक कर लेना, इसका लेंथ थोड़ा सा हाई है। देन हम बात करने वाले हैं इसके शर्ट जो हमने लिया था शर्ट, ओके सो कुछ इस तरीके की मैचिंग करके लिया है, एंड दोनों पहनने पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो यू कैन सी गाइस ये जो ब्रांड है वो है मफ्टी ब्रांड, थोड़ा सा हाई रेंज जाएगा इसका, इसका रेंज जाएगा आपको 1000 समथिंग के अप्रॉक्स में, बट क्या होता है ना फ्लिपकार्ट पे चलते रहते काफी अच्छे अच्छे सेल, तो सेल में परचेज करते हो तो इसका रेंज डाउन भी हो सकता है। इसमें आपको थोड़े से साइजेस आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं तो आप चेक करते रहना, अगर आप वो साइजेस अवेलेबल हो जाते हैं तो आप वो चेक कर लेना, एंड कुछ साइजेस अभी भी हैं जो कि आउट ऑफ स्टॉक नहीं है तो उनमें से आप लेना चाहते हो तो आप वो ले सकते हो। नाउ इस पे आते हैं, तो फ्रंट आप देख सकते हो, कॉलर आपको स्प्रेड कॉलर इसमें मिलेंगे, फ्रंट में आपको ब्लैक कलर के बटन्स प्रोवाइड किए हुए हैं जो कि काफी ज्यादा मतलब आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के ब्लैक एंड ब्राउन के कॉम्बिनेशन में है। नाउ इस पे
जो ब्रांड का नेम है वो बहुत ही अच्छा ब्रांड है, ऐसा वैसा ब्रांड नहीं है, इसका हाई रेंज जाता है ब्रांड में। एंड ये फैब्रिक की बात करेंगे तो फैब्रिक है प्योर कॉटन। स्लिप्स की बात कर लेंगे तो स्लिप्स आपको मिलता है फुल स्लिप्स की ये शर्ट है। यहाँ पे आपको इतने बटन्स प्रोवाइड हैं, एक यहाँ पे एंड एक साइड में जो आते हैं वो एक्स्ट्रा बटन इसमें आई थिंक नहीं है, सॉरी इसमें एक्स्ट्रा बटन आपको प्रोवाइड नहीं की हुई है। अब बैक की बात कर लेते हैं एक बार। सो बैक साइड में कुछ इस तरीके के हल्के से ट्रेड में आप देख सकते हो वी शेप बना हुआ है, ये कुछ यूनिक है। एंड चेक्ड शर्ट है, बहुत ही कंफर्टेबल समर के व्यू से। एंड यहाँ पे जो चेक किया हुआ है इसमें आपको हल्का हल्का डिजाइनिंग की हुई है, जो कि काफी नजदीक से अगर आप देखोगे ना तब आपको पता चलेगा। बहुत सॉफ्ट कॉटन मटेरियल, बहुत ही अमेजिंग सा शर्ट है। इसको आप समर के व्यू से भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, कैजुअल वेयर है एंड कहीं भी जा सकते हो, छोटे से फंक्शन में भी या फिर आपके घर में बड़ा सा कोई पार्टी फंक्शन भी है तो भी आप इन दोनों शेट को पहनोगे ना तो बहुत अच्छा लुकआउट आने वाला है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो एंड इन सारी चीजों का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हो, अगर आप अपने फैमिली मेंबर के लिए लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको बोलूंगी आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना। ट्रस्ट में बिल्कुल भी आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे कि आपको ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड हुआ है। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा। वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है तो वीडियो को लाइक करना। मिलूंगी फिर से इस टाइप की नई वीडियो के साथ, नई रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।